तो जब से भारत ने फ्रांस से राफेल लिए हैं, जबी से ही पूरी दुनिया में राफेल की मांग बढ़ती जा रही है। और आज के टाइम में कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि फ्रांस के पास राफेल के धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन अब फ्रांस की तरफ से और राफेल के ऑर्डर नहीं लिए जा रहे हैं। और आप सभी के याद ही होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही इजिप्ट ने फ्रांस से राफेल लिए थे, और अब से करीब एक से डेढ़ महीने पहले ही यूएई ने भी फ्रांस से 80 राफेल की डील की थी। और दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हो कि राफेल को लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा डरा हुआ है कि पाकिस्तान उल्टे पुल्टे फाइटर जेट से राफेल का कंपैरिजन करता है। और अब से 20 दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना में चाइनीज J-10C फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान J-10C फाइटर जेट की मदद से भारतीय राफेल को टक्कर दे सकता है। और इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान भारतीय राफेल से कितना ज्यादा डरता है। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकल कर सामने आई है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री की तरफ से एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। और इस दावे में फ्रांस के रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया है कि अब राफेल इतना ज्यादा कैपेबल बन चुका है कि राफेल परमाणु हमला करने में भी सक्षम हो चुका है। और दोस्तों, आप इस आर्टिकल पर नजर डालिए, और इस आर्टिकल में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि फ्रांस ने ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल का राफेल से सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है। और दोस्तों, ASMPA एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, और राफेल ने इसी मिसाइल को टेस्ट के दौरान दागा है, और ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिसाइल को MBDA ग्रुप की सबसे बेस्ट मिसाइल माना जाता है, और इस मिसाइल को 2009 में बनाकर तैयार किया गया था, और आने वाले 2035 तक भी इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं होने वाला है। और राफेल ने इस मिसाइल को दागकर दिखा दिया है कि राफेल की आज के टाइम में क्या कैपेबिलिटी है। और इस मिसाइल को राफेल की मदद से दागे जाने के बाद चीन और पाकिस्तान का डर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे थे तो उस दौरान फ्रांस की तरफ से इसी ASMPA मिसाइल को भारत के लिए ऑफर किया गया था। इस मिसाइल को इसलिए घातक माना जाता है क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड लगभग 4 मैक है, और इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, और 500 किलोमीटर की रेंज में भारत से पाकिस्तान की राजधानी पूरी तरीके से कवर अप हो जाती है। और दोस्तों, आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है कि भारत फ्रांस से कुछ संख्या में इस ASMPA मिसाइल को खरीद ले, और उसके बाद इस मिसाइल में अपना ही परमाणु हथियार लगाकर चीन और पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करे। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट से ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि पाकिस्तान का सपना चूर चूर हो गया है। आज के टाइम में जितने भी पाकिस्तान ने चाइना से J-10C लिए हैं, अब वो पूरी तरीके से भारतीय राफेल के सामने फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस मिसाइल टेस्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।